दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा ना कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुकी खाई, वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके वो राजा छुड़ा ले गए। कि रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसी आया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वो तिल्लाया था, मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और मुगलियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। अरे गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के कर्तव्य उनके सचमुच तलवारी थे, बिना शीश के युद्ध लड़ा था कथा अमर कर आए, जीत गई रजपूती और मुगलों के मुंड झुकाए, उधर नगाड़े बजे इधर दिल्ली में मातम छाया, और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में झल्लाया, अरे बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहुदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना, अरे दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा ना कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुकी खाई, वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके वो राजा छुड़ा ले गए। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा, बा घर में घुसकर मारा है, मैं घर में घुसकर मारूंगा, अरे हाथी घोड़े सजवाओ, भाले बर्छी उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारे रखवा लो, कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखें वो आंखें अंधी कर दो, अरे बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना, वीरों से ना जीत सको तो छुप कर तीर चलाना, दबे पांव चित्तौड़ चलो तुम भनक न हो दुश्मन को, मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को, तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में, एक मुस्त सेना को रोका जोरों से चिल्लाया, और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया, बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो आगे घुस जाओ, मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ, जो ही सैनिक पड़े सभी का सहसा मन कुलाया, किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया, सैनिक बोले माफ करो हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे, अरे तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन चलेंगे, किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे और सोए शेर जगेंगे, तो फिर सबकी रूह हिलेगी, कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी, वक्त अभी झुकने का है मेरे आका, झुक जाओ, सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ, बहुत अच्छे, वक्त अभी झुकने का है मेरे आका, झुक जाओ, सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ, तो चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा पर्वत सी ऊंचाई, वाह दादा समर्पित कर रहा हूं, स्वागत, चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा अंबर से ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए, इतनी लंबाई, लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई, प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई, ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता, किला बेच लेने वाली वह नित्य नीतियां करता, किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना, 8 माह तक रेत छानती रही मुगलिया से, जिंदाबाद, आठ माह तक रेत छानती रही मुगलिया सेना, 8 माह तक रेत छानती रही मुगलिया सेना, दीवार दुर्ग की धधक रही थी दंगल के जंगल में, और दुष्ट दारुण दुख पाते मेवाड़ी मंगल में, जिधर देखते थे केवल बस रेत दिखाई पड़ता, सन्मुख किला किले सन्मुख रणखेत दिखाई पड़ता, सुनो सहस्त्रो शंकर का सम्मान किले के ऊपर, और एकलिंग महादेव वरदान किले के ऊपर, किला किलेश्वर क्या कमाल था, कुशल कमान वही था, किला किला था केवल किला किले का नाम नहीं, जिंदाबाद, किला किला था केवल किला किले का नाम नहीं था, तो गुप्तचरों ने देखा और राणा रावल से बोले, पहले सांस संभाली और फिर धीरे से मुंह खोले, बोले हुकुम, किले के बाहर काले घन छाए, खिलजी के कायर श्यार द्वारे तक चढ़ाए हैं,
खिलजी की सारी सेना है थोड़ी दूर किले से, उस रोज खबर ये रतन सिंह के उतरी नहीं गले से, थे महान बलवान किंतु दिल में खलबली मची थी, उस दिन रावल को सचमुच गोरा की कमी खली थी, ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे। एक आरोप लगा इतिहास में कि दाना पानी बंद कर दिया, जब दाना पानी खत्म हो गया तो लड़ने के लिए आए। हाँ, मैं उन इतिहासकारों के सामने एक प्रश्न खड़ा करता हूं, बिना नेतृत्व वाली सेना, बिना राजा की सेना, मेवाड़ से लेकर दिल्ली तक जाकर खिलजी के जबड़े से अपने राजा को छुड़ा के ला सकती है, तो वो 8 महीने दाना पानी खत्म होने का इंतजार नहीं करेगी, तो जिनमें बाद के पार निकल के आपका कलेजा चीर के हाथ में दे देगी। भाई वाह, ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं वो लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मांद में छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं मृत्यु के भय से चुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं मुगल सेना का पहरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावल की तरकस में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुदार नहीं थी। गजब है यार, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुदार नहीं थी। तर्क देता हूं, केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था। हाँ हाँ दादा सुनना, स्वागत। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था, मानवता का रक्त बहेगा ये डर टोक रहा था। हाँ, पर्वत और युद्ध के किस्से और वैश्य का मुख। हाँ हाँ, वो तो आक्रांता थे, उन्हें कहाँ दया क्षमा शील क्या, वो तो बस पेट भरो चाहे बकरा काटो चाहे ऊंट। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था, मानवता का रक्त बहेगा ये डर टोक रहा था, पर्वत और युद्ध के किस्से और वैश्य का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख, कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थल में सोणित की धार बहा करती है, बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती है, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है, तो यही सोचते थे रावल की अगर लड़ाई होगी तो ये सच है दुनिया में अपनी ठकुराई होगी, अपनी ठकुराई होगी तो हर जगह बड़ाई होगी, और बड़ाई की कीमत सचमुच योद्धाई होगी, खिलजी की सेना में है जितने भी लड़ने वाले, उनमें से ज्यादातर है भारत के रहने वाले, और भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं लड़ेंगे, जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद बेटे, कमाल वाला तर्क, वाह। जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे, जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लेंगे, तो सभा बुलाई गई और सारे मंत्री बुलवाए गए, सच्चे महारथी और योद्धा भी दरबार में आए। हाँ, कोई कहे शत्रु सन्मुख है, रावल देर न करना और पड़ोसी राजाओं के लिए टेर मत करना, है सच्चा सूरवीर वही जो मारे या मरता है, कितने भी स्वर्ण सिंह घेरे पर सिंह नहीं डरता है, कितने भी स्वर्ण सिंह घेरे पर सिंह नहीं डरता है। कोई बोला महाराज आदेश करो तो कर दें, एक बार फिर मुगलों में रजपूती लोहा भर दें, मौत वो नहीं मृत्यु वो नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए, मृत्यु वो नहीं जो शरीर से प्राण अलग कर जाए, मृत्यु वो नहीं जो भय का कोई उन्माद उठाए, मृत्यु वो नहीं जो जीवन जीने में आड़े आए, मृत्यु वही जब हम विपरीत परिस्थिति से डर जाए, मृत्यु तभी जब कहीं हमारा स्वाभिमान मर जाए। राजन क्षमा, मगर कहता हूं कौन मृत्यु होती है, शत्रु अगर ललकारे तो बस मौन मृत्यु होती है, और योद्धा की तलवार समर में चमत्कार करती है, तो मौत खड़ी होकर फिर उसका इंतजार करती है। रावल बोले चट्टानी योद्धा उस शस्त्र संभालो, करो भुजाली गर्म और फिर दोहरी धार लगा लो, माना दुश्मन अधिक और हम सब संख्या में कम है, किंतु विजय या वीर गति चुन लेने में क्या गम है, चलो खिलजियों की अंतिम अरदास मिटाकर आए, चलो समर में योद्धाई की आग लगाकर आए, चलो समंदर में चलकर तूफानों से टकराए, चलो उन्हें योद्धाई वाला खेल खिलाकर आए, चलो बता दें युद्ध उन्हें कैसे जीते जाते हैं,
सात लाख से कुछ हजार किस दम पर टकराते हैं, सात लाख से कुछ हजार किस दम पर टकराते हैं। तो आज पुकारा मातृभूमि ने, आज दिवस आया है, आज कृपा है महाकाल की, क्या अद्भुत माया है। आज पुकारा मातृभूमि ने, आज दिवस आया है, आज कृपा है महाकाल की, क्या अद्भुत माया है। अरे आज देवगढ़ हर्षित होकर हमको देख रहे हैं और स्वर्ग से सुमन हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। आज कालिका और दुर्गा का आशीर्वाद मिला है, जन्मभूमि की रक्षा वाला आज प्रसाद मिला है। इन कृपा सुमन और आशीषों को व्यर्थ न जाने देना, जीते जी तुम स्वाभिमान पर आंच न आने देना। याद रहे जीते जी दुश्मन अंदर ना घुस पाए और प्रतिष्ठित आन बान पर दाग नहीं लग पाए। याद रहे कि उस योद्धा का मान हुआ करता है जो मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हुआ करता है। अरे विजय अगर हो तो ऐसी कि अंबर पुष्प गिराए, और वीर गति हो तो ऐसी इतिहास अमर हो जाए। विजय वीर गति हो तो ऐसी इतिहास अमर हो जाए। पहले कफन बांध लो सर पे, फिर भगवा बंधवाओ। बढ़िया, पहले कफन बांध लो सर पे, फिर भगवा बंधवाओ। इस जीवन की महाकाल को अंतिम भेंट चढ़ाओ। अंतिम बार नमन कर लेना वीरो इस माटी को, अंतिम बार नमन करना बलिदानी परपाटी को, अंतिम बार भवानी के चरणों में भाल झुका लो, अंतिम बार सभी रिश्तेदारों को गले लगा लो, अंतिम बार करो दर्शन चित्तौड़ दुर्ग नाभि का, अंतिम बार करो आवाहन एक लिंग स्वामी का, अंतिम बार एक दूजे को दे लो आज बधाई, अंतिम बार अंत तक लड़नी होगी तुम्हें लड़ाई।